हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल SM क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टीलर सिस्टम के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या चीज़ें स्टीलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ स्टील, सेकेंड हम जानेंगे स्टीलर थ्योरी के बारे में, थर्ड स्टील के कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, फोर्थ पर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील जैसे कि प्रोटो स्टील, सिफ्नो स्टील, सोलेनो स्टील और इसके जो और टाइप्स हैं उसके बारे में जानेंगे, और वीडियो के लास्ट में हम स्टीलर इवोल्यूशन इन लैंड प्लांट मेनली टेरिडोफाइट्स के बारे में जानेंगे। तो जो मैंने पॉइंट अभी आपको बताया है ये सभी पॉइंट हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि स्टील होता क्या है। वास्कुलर प्लांट आर दोज प्लांट विच कंटेन वास्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। द वास्कुलर प्लांट आर रिप्रेजेंटेड बाई टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो अगर हम बात करें स्टील की, तो जो स्टील होता है आपके वास्कुलर प्लांट में पाया जाता है। अब बात आती है कि वास्कुलर प्लांट क्या होते हैं। तो वास्कुलर प्लांट वे प्लांट होते हैं जिनमें कि वास्कुलर टिश्यू होता है। वास्कुलर टिश्यू में आपके आते हैं जाइलम और फ्लोएम। कभी कभी इसमें पिथ होता है, पिथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो वास्कुलर प्लांट होते हैं उन्हीं में आपके पाए जाते हैं स्टील। अब वास्कुलर प्लांट की अगर एग्जांपल की बात करें तो आपके जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, ये सभी आपके वास्कुलर प्लांट है। तो जितने भी वास्कुलर प्लांट होते हैं उनमें जो टिश्यू सिस्टम होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। जो सबसे आउटर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डर्मल, उसके बाद होता है ग्राउंड टिश्यू और लास्ट में अंदर की तरफ होता है वास्कुलर टिश्यू। तो जो डर्मल लेयर होता है और ग्राउंड टिश्यू होता है, उन दोनों को छोड़ दिया जाए तो जो मिड में रीजन होता है उसी को हम बोलते हैं वास्कुलर टिश्यू, और उसी में ही पाया जाता है स्टील। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि इमेज के बीच में आप देख रहे हैं जाइलम है, फ्लोएम है, और इंडोडर्मिस और पेरिसाइकल के अंदर का जितना भी रीजन है वही कहलाता है स्टील। तो एक तरह से हम स्टील को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो आइए स्टील को हम डिफाइन करते हैं। द टर्म स्टील हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मीनिंग पिलर। तो जो स्टील है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है पिलर। जैसे कि मकानों में पिलर होते हैं और वो मकानों को सपोर्ट करते हैं, उसको सहारा देते हैं, वैसे ही जो स्टील होता है प्लांट टिश्यू में, चाहे वो आपके रूट हो, स्टेम हो, सूट हो, कुछ भी हो, उनमें वो सपोर्ट का काम करता है। द स्टील इज डिफाइंड एज ए सेंट्रल वास्कुलर सिलेंडर विथ और विदाउट पिथ एंड इंडोडर्मिस सेपरेटिंग इट फ्रॉम कॉर्टेक्स। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो स्टील होता है ये सेंट्रल वास्कुलर सिलेंडर होता है, मतलब सेंट्रली अरेंज होता है, और ये बिना पिथ या फिर पिथ के साथ हो सकता है, और जो इंडोडर्मिस होता है स्टील को कॉर्टेक्स से अलग करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंडोडर्मिस के अंदर का जितना भी रीजन होता है उसी को हम स्टील कहते हैं। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि इंडोडर्मिस के बाहर कॉर्टेक्स है और अंदर की तरफ है पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम और पिथ यही बनाते हैं स्टील। स्टील कंसिस्ट ऑफ जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल एंड मिडलरली रेज इफ प्रेजेंट और अब्सेंट। तो जो स्टील होता है अगर इसके बात करें कंपोनेंट की, तो इसमें जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल और जिसको मैंने बताया था पिथ, वो पिथ प्रेजेंट भी हो सकता है या अब्सेंट भी हो सकता है। इन सभी कंपोनेंट से मिलकर बना होता है स्टील। द टर्म स्टील यूज्ड बाय वॉन्टिगम एंड डॉलेट इन 1886 इन द थ्योरी स्टीलर थ्योरी। तो जो टर्म स्टील है वो सबसे पहले यूज़ किए थे वॉन्टिगम और डॉलेट ने 1886 में स्टीलर थ्योरी में। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टीलर थ्योरी की, विच आर प्रपोज बाई वॉन्टिगम एंड डॉलेट इन 1886। तो जो स्टीलर थ्योरी है वॉन्टिगम और डॉलेट ने 1886 में दिया था। मेजर हाइलाइट्स इन स्टीलर थ्योरी आर, यदि हम स्टीलर थ्योरी के मेन पॉइंट की बात करें तो वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है स्टील इज़ ए रियल एंटिटी एंड प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ऑल हायर प्लांट। तो जो स्टील होता है यह एक वास्तविक इकाई होती है और सभी हायर प्लांट में पाया जाता है। याद रखिएगा ये हायर प्लांट में पाया जाता है, और हायर प्लांट के अंतर्गत आते हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो टेरिडोफाइट्स है ये लोअर हायर प्लांट है, जबकि जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म है, खासकर एंजियोस्पर्म, ये एडवांस हायर प्लांट है। कॉर्टेक्स एंड स्टील आर टू फंडामेंटल पार्ट ऑफ द सूट सिस्टम।
तो जो कॉर्टेक्स होता है और स्टील होता है, ये किसी भी सूट सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। स्टील एंड कॉर्टेक्स आर सेपरेटेड बाय द इंडोडर्मिस। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जो इंडोडर्मिस होता है स्टील और कॉर्टेक्स को अलग करता है। मेन कंपोनेंट ऑफ स्टील आर जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो स्टील का मेन कंपोनेंट होता है वो जाइलम और फ्लोएम होता है। जैसा कि मैंने बताया था आपका जो मिडिलरी रेज होते हैं, कहने का मतलब है कि जो पेरिसाइकल है या फिर आपका पिथ है वो पाया जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। पेरिसाइकल, मिडिलरी रेज एंड पिथ आर आल्सो कंपोनेंट ऑफ स्टील। तो जैसा कि लास्ट पॉइंट में लिखा है कि जाइलम और फ्लोएम के अलावा पेरिसाइकल, मिडिलरी रेज और पिथ ये भी स्टील के कंपोनेंट हैं, लेकिन मेन जो कंपोनेंट है जाइलम और फ्लोएम है। तो ये था आपका स्टीलर थ्योरी जो कि वॉन टिगम और डॉलिट के द्वारा दिया गया था। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टीलर थ्योरी। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील इन प्लांट। तो किस प्रकार के या कितने प्रकार के स्टील होते हैं अब हम इसके बारे में जानेंगे। बेस्ड ऑन ओंटोजेनी एंड फाइलोजेनी, थ्री ब्रॉड कैटेगरी ऑफ स्टील इन वास्कुलर प्लांट। तो वास्कुलर प्लांट के जागतिकगत और व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर स्टील को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रोटो स्टील, सेकेंड है सिफ्नो स्टील और थर्ड है सोलेनो स्टील। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जो प्रोटो स्टील है ये ऐसे स्टील होते हैं जिसमें पिथ नहीं पाया जाता है। जो सिफ्नो स्टील होते हैं इनमें पिथ पाया जाता है लेकिन लीफ गैप नहीं पाया जाता। और जो सोलेनो स्टील होते हैं इनमें पिथ भी होता है और लीफ गैप भी होते हैं। तो ये इनको बांटने की कैटेगरी है। अब प्रोटो स्टील क्या होते हैं, सिफ्नो स्टील क्या होता है और सोलेनो स्टील क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल से बारी बारी जानेंगे। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटो स्टील की। ए स्टील विथ ए सॉलिड कोर ऑफ जाइलम एट द सेंटर एंड इट इज़ सराउंडेड बाय फ्लोएम, पेरिसाइकल एंड इंडोडर्मिस, पिथ इज अब्सेंट। तो जो प्रोटो स्टील होता है इसमें सेंट्रली जाइलम होता है और जाइलम के चारों ओर फ्लोएम, पेरिसाइकल और इंडोडर्मिस पाए जाते हैं, इनमें पिथ अब्सेंट होता है। द सिंपलेस्ट स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रोटो स्टील होते हैं सबसे सिंपल स्टील है। इट कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट। और जो प्रोटो स्टील है सबसे प्रिमिटिव स्टील माना जाता है। इस कारण ही ये मैक्सिमम जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर प्लांट की ओरिजिन को देखें तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं सबसे लोअर हायर प्लांट हैं जिनमें कि वास्कुलर सिस्टम का स्टार्टिंग हुआ। तो इसलिए जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें सबसे अधिक प्रोटो स्टील ही पाए जाते हैं। और ये प्रोटो स्टील कहाँ पाए जाते हैं, राइजोम में, स्टेम में, रूट में। तो टेरिडोफाइट के मैक्सिमम इन सभी पार्ट में प्रोटो स्टील पाए जाते हैं। तो आइए हम प्रोटो स्टील के टाइप्स के बारे में देखें कि कितने टाइप्स के होते हैं और इनके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो जो प्रोटो स्टील है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब 5 तरह के प्रोटो स्टील पाए जाते हैं। फर्स्ट है हैप्लो स्टील, सेकेंड है एक्टिनो स्टील, थर्ड है प्लेक्टो स्टील, फोर्थ है मिक्स्ड प्रोटो स्टील और फिफ्थ है मिक्स्ड प्रोटो स्टील विथ पिथ। तो ये सबसे पहले बात करते हैं हम हैप्लो स्टील की। द नेम हैप्लो स्टील वॉज गिवेन बाई ब्रेमनर इन 1902। तो जो हैप्लो स्टील नाम दिया था सबसे पहले ब्रेमनर ने 1902 में दिया था। ए प्रोटो स्टील विथ ए स्मूथ कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाई लेयर ऑफ फ्लोएम इज कॉल्ड हैप्लो स्टील। तो जो हैप्लो स्टील होते हैं इनमें बीच में जाइलम पाया जाता है और इसके चारों तरफ फ्लोएम पाए जाते हैं और ये सबसे सिंपल फॉर्म के स्टील होते हैं। इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन फॉसिल्स जेनरा। तो ये जितने भी फॉसिल्स जेनरा होते हैं जनरली उनमें पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें राइनिया की, और कुछ लिविंग जेनरा में पाए जाते हैं जैसे सेलेजनेला है, लाइगोडियम है। तो जो हैप्लो स्टील है आपके यूजुअली फॉसिल्स जेनरा में और कुछ लिविंग जेनरा में पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं सेकेंड प्रोटो स्टील के बारे में जो कि है एक्टिनो स्टील। तो इस प्रोटो स्टील का नाम एक्टिनो स्टील इससे पड़ा कि इसमें जो जाइलम होता है वो स्टार शेप्ड होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक्टिनो स्टील नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इनमें जाइलम जो होता है स्टार शेप्ड होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं एक्टिनो स्टील। तो इस कारण जो इसमें फ्लोएम होता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, जैसा कि इमेज में आप नीचे की ओर देख सकते हैं।
सो द फ्लोएम आकर एज सेपरेट पैचेस बिटवीन द आर्म ऑफ जाइलम। तो स्टार शेप होने की वजह से तो जो फ्लोएम होते हैं वो इनके आर्म के बीच पैचेस के फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर बात करें हम एक्टिनोस्टील का जो नेम है किसने दिया था, ब्रेबनर ने 1902 में दिया था। अगर एग्जांपल की बात करें किसमें एक्टिनोस्टील पाए जाते हैं, टेस्टेरोजाइलॉन, साइलोटम, लाइकोपोडियम, इन सभी में आपके एक्टिनोस्टील पाए जाते हैं। आए चलते हैं प्रोटोस्टील के तीसरे टाइप की, जो कि है प्लेक्टोस्टील। द नेम प्लेक्टोस्टील वॉज गिवन बाई जिमरमैन इन 1930। तो प्लेक्टोस्टील जो नाम दिया था वो दिया था जिमरमैन ने 1930 में। आइए बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की। जाइलम ऑकर सेवरल प्लेट विच आर मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। तो जो प्लेक्टोस्टील होता है उसमें जो जाइलम होते हैं प्लेट लाइक होते हैं। तो याद रखिएगा जो प्लेक्टोस्टील नाम पड़ा है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, जैसा कि इमेज में देख सकते हैं कि जो जाइलम है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है और एक दूसरे के पैरेलल है। जाइलम प्लेट आर अल्टरनेटेड विद फ्लोएम पैचेस। तो एक बार आपका जाइलम है तो उसके बाद फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम करके फिगर में है। तो मतलब अल्टरनेटिव जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम में आपका प्लेक्टोस्टील पाया जाता है। आइए चलते हैं प्रोटोस्टील के अगले टाइप की ओर। तो फोर्थ टाइप है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। जाइलम इज डिवाइडेड इंटू सेवरल यूनिट और ग्रुप। इच जाइलम यूनिट्स आर स्कैटर्ड अरेंज इनसाइड द ग्राउंड मास ऑफ फ्लोएम। तो इसमें क्या होता है कि जो जाइलम होता है वो छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड होता है। कहने का मतलब है कि ये फ्लोएम के बीच में बिखरा होता है, स्कैटर्ड होता है। तो मिक्स्ड प्रोटोस्टील में होता क्या है कि फ्लोएम के बीच में जो जाइलम होते हैं वो बिखरे होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो लाइकोपोडियम कैरेनम। तो लाइकोपोडियम कैरेनम में मिक्स्ड प्रोटोस्टील पाया जाता है। आइए बात करते हैं प्रोटोस्टील के पांचवे टाइप की, जो कि है मिक्स्ड प्रोटोस्टील विथ पिथ। तो जो मिक्स्ड प्रोटोस्टील विथ पिथ है यह भी आपके मिक्स्ड प्रोटोस्टील की तरह होता है, बस इसमें एक चीज़ और ऐड हो गया है वो है पिथ। तो ये एक तरह से एडवांस टाइप का प्रोटोस्टील है सभी प्रोटोस्टील में। फॉर्मेशन ऑफ पिथ स्टार्टेड हियर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इवोल्यूशन। तो इसमें जो पिथ का फॉर्मेशन हुआ है जब इवोल्यूशन होने लगा टेरिडोफाइट्स में, तो इसमें पिथ का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोटोस्टील में पिथ नहीं होता, तो एक तरह से ये जिम्नोस्पर्म और आपके एंजियोस्पर्म के ओरिजिन को दर्शाता है। तो कहने का मतलब है कि टेरिडोफाइट से ही जिम्नोस्पर्म की तथा एंजियोस्पर्म की ओरिजिन हुई है। स्टील इज सिमिलर टू मिक्स्ड प्रोटोस्टील। जैसा मैंने बोला था कि ये मिक्स्ड प्रोटोस्टील की ही भांति है। पैचेज ऑफ पैरेन्काइमेटस रीजन ऑकर इन एसोसिएट विद जाइलम, कंसीडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोस्टील एंड सिप्नोस्टील। तो जैसा कि सिप्नोस्टील में आपके पिथ पाए जाते हैं, तो एक तरह से ये ऐसा स्टील है जो कि आपका प्रोटोस्टील और सिप्नोस्टील के बीच कनेक्टिंग लिंक डिनोट करता है। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में यह पाया जाता है हाइमेनोफाइलम डेमिशम, और दूसरा एग्जाम्पल है लेपिडोडेंड्रॉन सेलिजनॉइड्स। आइए चलते हैं दूसरे स्टील की ओर, जो कि है सिप्नोस्टील। ए स्टील विथ पिथ मेडुला एट द सेंटर। तो ये एक ऐसा स्टील है जैसा कि मैंने बताया था जिसमें कि पिथ जो या इसी को हम बोलते हैं मेडुला सेंटर में पाया जाता है। तो जैसा कि प्रोटोस्टील था, प्रोटोस्टील में पिथ नहीं पाया जाता जबकि सिप्नोस्टील में पिथ पाया जाता है। सेंटर कोन ऑफ पिथ इज सराउंडेड बाई जाइलम एडवांस टाइप देन प्रोटोस्टील। तो सिप्नोस्टील में जो पिथ होता है जाइलम के द्वारा घिरा होता है और ये प्रोटोस्टील से एडवांस होता है। आइए बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो ये टू टाइप्स के होते हैं, पहला है इक्टोफ्लोइक सिप्नोस्टील और दूसरा है एम्फीफ्लोइक सिप्नोस्टील। तो आइए एक एक करके एग्जाम्पल के साथ इन दोनों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्टोफ्लोइक सिप्नोस्टील की। पिथ इज एट द सेंट्रल पोजिशन, फ्लोएम प्रेजेंट ओनली ऑन द एक्सटर्नल साइड ऑफ द जाइलम, फ्लोएम इज एक्सटर्नली सराउंडेड बाई पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस, लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट बट लीफ गैप अब्सेंट। तो टोटली आपको मैं मिलाकर समझा देता हूँ कि इसमें जो होता है, जो पिथ होता है वो सेंट्रल पोजिशन में पाया जाता है जैसा कि इमेज में देख सकते हैं।
और उसके बाद पाया जाता है जाइलम, और जाइलम के बाहर पाया जाता है फ्लोएम। तो कहने का मतलब है जो फ्लोएम होता है जाइलम के बाहर की ओर होता है। और बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम के बाहर की ओर पाया जाता है पेरिसाइकल और इंडोडर्मिस। तो पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम एक सिस्टम से लेकर चले तो सबसे बाहर आपका पाया जाएगा इंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल, फिर उसके बाद फ्लोएम, फिर जाइलम और बीच में पिथ। तो इस तरह से आपके पाए जाते हैं इक्टोफ्लोइक सिप्नोस्टील में। एग्जांपल की बात करें तो ओसमुंडा में आपका इक्टोफ्लोइक सिप्नोस्टील पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं फिगर में कि कैसा होता है इक्टोफ्लोइक सिप्नोस्टील। और एक चीज़ और, इसमें लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं बट लीफ गैप अब्सेंट होता है, क्योंकि सिप्नोस्टील में लीफ गैप नहीं पाया जाता है, लीफ गैप पाए जाते हैं सोलेनोस्टील में, जो कि तीसरा टाइप है स्टील का। आइए बढ़ते हैं सिप्नोस्टील के दूसरे टाइप की ओर, जो कि है एम्फीफ्लोइक सिप्नोस्टील। फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द जाइलम। सेंट्रल पोजिशन ऑफ स्टील इज ऑक्यूपाइड बाय पिथ। जाइलम ऑन इनर साइड सराउंडेड बाय इनर फ्लोएम, पेरिसाइकल एंड इंडोडर्मिस। जाइलम ऑन आउटर साइड सराउंडेड बाय आउटर फ्लोएम, पेरिसाइकल एंड इंडोडर्मिस। तो जो एम्फीफ्लोइक सिप्नोस्टील होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका बीच में तो पिथ पाया जाता है, लेकिन उसमें पिथ के बाद फ्लोएम, फिर जाइलम और फिर उसके बाद फ्लोएम। तो कहने का मतलब होता है कि जो इसमें जाइलम होता है फ्लोएम के बीच में होता है। तो एक तरह से जाइलम के ऊपर भी फ्लोएम होता है और नीचे भी फ्लोएम होता है। तो जाइलम के जो ऊपर फ्लोएम होता है उसे हम बोलते हैं आउटर फ्लोएम, और जो अंदर की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं इनर फ्लोएम। और इसी प्रकार जो आउटर फ्लोएम है, तो आउटर फ्लोएम के ऊपर आउटर पेरिसाइकल, आउटर इंडोडर्मिस, उसी तरह जो इनर फ्लोएम है उसके ऊपर की ओर इनर पेरिसाइकल, इनर इंडोडर्मिस। तो कहने का मतलब पेरिसाइकल और इंडोडर्मिस और फ्लोएम ये टू टाइम्स पाए जाते हैं, जबकि जाइलम जो होता है केवल एक बार पाया जाता है। तो जो फ्लोएम है, फ्लोएम के बीच में जाइलम होता है, इसलिए फ्लोएम दोनों जगह पाया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एम्फीफ्लोइक, मतलब कि उभयधर्मिक, एक तरह से हम कह सकते हैं फ्लोएम होता है। यदि बात करें हम एग्जांपल की, तो ये मार्सिलिया और एडिएंटम में पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं स्टील के तीसरे टाइप की ओर, जो कि है सोलेनो स्टील। सोलेनो स्टील इज एक्चुअली ए सब कैटेगरी ऑफ सिप्नो स्टील। तो जो सोलेनो स्टील है एक तरह से कह सकते हैं कि सिप्नो स्टील का एक अदर दूसरा कैटेगरी है। सिप्नो स्टील विच इज परफॉर्म एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ लीफ ट्रेस इज कॉल्ड सोलेनो स्टील। तो सिप्नो स्टील जो था अभी हम लोगों ने जो लास्ट अभी पढ़ा है सिप्नो स्टील, उसमें क्या होता है कि लीफ ट्रेसेस या लीफ गैप पाए जाते हैं, और उन्हीं लीफ गैप के पाए जाने की वजह से इन्हें हम बोलते हैं सोलेनो स्टील। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि जो सोलेनो स्टील होते हैं एक तरह से सिप्नो स्टील होते हैं, बस इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है और वो होती है लीफ गैप। बस यही डिफरेंस है सोलेनो स्टील और सिप्नो स्टील में। तो अगर इसके टाइप्स की बात करेंगे तो आपके टाइप्स भी उसी तरह मिलेंगे, बस सभी फिगर में एक चीज़ ऐड रहेगा, वो रहेगा लीफ गैप। तो आइए इसके टाइप्स के बारे में हम जानते हैं। तो पूरे प्लांट किंगडम में 6 तरह के आपके सोलेनो स्टील पाए जाते हैं। पहला है इक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, दूसरा है एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील, तीसरा है डिक्टियो स्टील, चौथा है यू स्टील और पांचवा है ए टैक्टो स्टील। तो आइए एक एक करके इन सभी सोलेनो स्टील के बारे में जानेंगे और इनके एग्जांपल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सिप्नो स्टील होते हैं और सोलेनो स्टील होते हैं उनमें बस एक ही डिफरेंस होता है कि सोलेनो स्टील में आपका लीफ गैप और लीफ ट्रेस ये बढ़ जाते हैं। तो यदि अगर हम बात करें इक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील की, तो जो इक्टोफ्लोइक सिप्नो स्टील था जस्ट उसी की तरह होता है, बस इसमें आप इमेज में देख सकते हैं कि दो चीज़ें बस बढ़ चुकी हैं, वो है लीफ गैप और लीफ ट्रेस। बाकी सभी चीज़ें जो होती हैं इक्टोफ्लोइक, चाहे सोलेनो स्टील हो चाहे इक्टोफ्लोइक सिप्नो स्टील हो, वो एक दूसरे के समान होती है। आइए इनके बीच के डिफरेंस को हम लोग इमेज के थ्रू देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों में सभी चीज़ें एक जैसे सिमिलर हैं, बट डिफरेंस है
तो जो आपके इक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील है इनमें एक चीज़ और इंक्लूड हुआ है, वो है लीफ ट्रेस और लीफ गैप। बढ़ते हैं सोलेनो स्टील के दूसरे टाइप की, जो कि है एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। यह भी आपके एम्फीफ्लोइक सिफ्नो स्टील के समान होता है, बस इसमें वही दो चीज़ें ऐड हो गई हैं, लीफ गैप और लीफ ट्रेस। जैसा कि हम लोगों ने एम्फीफ्लोइक सिफ्नो स्टील में देखा था कि जाइलम के दोनों तरफ आपके फ्लोएम पाए जाते हैं, और जो बाहर की तरफ फ्लोएम होता है आउटर फ्लोएम, और जो अंदर की तरफ होता है जाइलम के उसे हम इनर फ्लोएम कहते हैं। तो सेम चीज़ें हैं दोनों में, बस डिफरेंस मैंने बताया कि आप देख सकते हैं इमेज में कि लीफ गैप और लीफ ट्रेस का है। एग्जांपल की बात करें तो एडिएंटम पेडिएटम में आपका एम्फीफ्लोइक सिफ्नो स्टील पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं हम सोलेनो स्टील के तीसरे टाइप की ओर, जो कि है डिक्टियो स्टील। सोलेनो स्टील दैट इज ब्रोकन इनटू नेटवर्क ऑफ सेपरेट वास्कुलर स्टैंड, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लीफ गैप। तो जो डिक्टियो स्टील होते हैं वो सोलेनो स्टील में, जैसा कि जो वास्कुलर स्टैंड होते हैं जाइलम फ्लोएम, वो ब्रेक कर जाते हैं, तो उनके ब्रेक करने की वजह से उसमें क्या होता है, ढेर सारे लीफ गैप बनते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि सोलेनो स्टील जैसे था जस्ट वैसे ही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि जितने भी इसके वास्कुलर स्टैंड है मतलब जाइलम और फ्लोएम ब्रेक कर जा रहे हैं, और ब्रेक करके ये एक पैचेस के फॉर्म में बना रहे हैं, और ये जो एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम है उसी को हम बोलते हैं मेरी स्टील। याद रखिएगा इसको हम क्या बोलेंगे, मेरी स्टील, जैसा कि इमेज में आप नीचे की ओर देख रहे हैं। अगर एग्जांपल की बात करें डिक्टियो स्टील की तो टेरिस में और एडिएंटम कैपिलस वेनेरिस में पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं सोलेनो स्टील के फोर्थ टाइप की ओर, जो कि है यू स्टील, जो कि हायर प्लांट में पाया जाता है। इफ़ स्टील इज स्प्लिट इंटू कोलेट्रल वास्कुलर बंडल देन इट इज़ कॉल्ड यू स्टील। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इक्टोफ्लोइक सिफ्नो स्टील होते हैं उसका ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है, बट यू स्टील में होता क्या है कि इसमें ढेर सारे लीफ गैप बन जाते हैं, और ये लीफ गैप का फॉर्मेशन क्यों होता है, स्प्लिटिंग की वजह से। तो आपके जो इक्टोफ्लोइक सिफ्नो स्टील हैं उनमें ढेर सारे स्प्लिटिंग हो जाते हैं, और स्प्लिटिंग क्यों होता है मैंने बताया था लीफ गैप की वजह से, और उस स्प्लिटिंग और लीफ गैप की वजह से जो स्टील बनता है उसी को हम बोलते हैं यू स्टील। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, ये एक तरह से कोलेट्रल वास्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोलेट्रल वास्कुलर बंडल क्या होता है, जब आगे मैं कभी आपको वास्कुलर बंडल पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं आपको कोलेट्रल वास्कुलर बंडल क्या होता है उसको बताऊँगा। आइए बात करते हैं इसके एग्जांपल की, तो जितने भी डाइकॉट स्टेम के जो प्राइमरी स्ट्रक्चर हैं उनमें यू स्टील पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं सोलेनो स्टील के लास्ट टाइप की ओर, जो कि है एटैक्टो स्टील। और ये भी स्टील आपके हायर प्लांट्स में पाया जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो हायर प्लांट की कैटेगरी है उसमें आपके आते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट, तो याद रखिएगा। और मोनोकॉट और डाइकॉट आपके किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म में। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो हायर प्लांट के एडवांस टाइप हैं, जबकि जो टेरिडोफाइट्स हैं वो प्रिमिटिव टाइप्स हैं, जिसमें कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्टील का ओरिजिन हुआ है। तो बात करते हैं एटैक्टो स्टील की, तो ये सिमिलर टू यू स्टील होता है, ये यू स्टील की तरह होता है, लेकिन एटैक्टो स्टील में होता है क्या कि जो वास्कुलर बंडल होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, जबकि यू स्टील में क्या था कि जो वास्कुलर बंडल थे वो एक अरेंज फॉर्म में थे, और उनमें बकायदे उसमें लीफ गैप थे, जबकि इसमें लीफ गैप नहीं होता है, सिर्फ जो वास्कुलर बंडल होते हैं जो रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं। और इस तरह का जो रैंडमली स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल पाया जाता है वो मोनोकॉट स्टेम में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। कहने का मतलब ये मोनोकॉट में पाया जाता है। तो एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है मोनोकॉट, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि जो आपके स्टील है उसमें वास्कुलर बंडल क्या है कि स्कैटर्ड फॉर्म में है। तो ये था हमारा स्टील वाला पोर्शन, जिसमें कि हम लोगों ने स्टील देखा, स्टीलर थ्योरी देखा, स्टील के टाइप्स को देखा और इसके ओरिजिन को देखा। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है नोट किए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा,
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स टू वॉचिंग।